तो सारे पंचायत प्रतिनिधियों को भी दिन रात काम करना पड़ेगा, बल्कि हम लोगों से अधिक काम करना पड़ेगा। तो उन लोगों का जो मानदेय है बहुत ही कम है, तो एक सम्मानजनक मानदेय बने जो कि वेतन पेंशन और भत्ता का रूप ले लेवे। तो सम्मानजनक वेतन पेंशन भत्ता की लड़ाई और संकल्प में मेरे है इस बार, और इसलिए मेरा पूरा अगर पूरा संकल्प जानिएगा तो वह पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी मिले आपकी। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव में हॉट सीट बने सारण क्षेत्र में जो है चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे सारण से निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने आज लगभग दर्जनों पंचायत के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनसे ये आग्रह किया है कि हमारा जो संकल्प है उसे पूरा करने में हमारी मदद करें। और क्या कुछ कह रहे हैं इस अवसर पर सारण के निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय, पहले आप वो सुने। किन संकल्पों के साथ आप उतरे हैं चुनावी मैदान में? देखिए, हर चुनाव में कोई ना कोई संकल्प लिया जाता है। पिछली बार 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो उसमें संकल्प था भीख नहीं, अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। तो कुछ अधिकार मिले, आर्थिक सफलता मिली और गाँव की सरकार के लिए भी एक हुआ कि नीतिगत निर्णय ले लिया गया कि गाँव की सरकार जो है गाँव से ही चलेगी। अब इस बार जो है वो संकल्प है कि जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनको धातल पर उतारना है, अर्थात पंचायतों को मिले उनकी सरकार, तो जिस तरह से निर्णय लिया गया उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो। और दूसरा, चूँकि जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सारे पंचायत प्रतिनिधियों को भी दिन रात काम करना पड़ेगा, बल्कि हम लोगों से अधिक काम करना पड़ेगा। तो उन लोगों का जो मानदेय है बहुत ही कम है, तो एक सम्मानजनक मानदेय बने जो कि वेतन पेंशन और भत्ता का रूप ले लेवे। तो सम्मानजनक वेतन पेंशन भत्ता की लड़ाई और संकल्प में मेरे है इस बार, और इसलिए मेरा पूरा अगर पूरा संकल्प जानिएगा तो वह पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन भी मिले आपकी। आपने सुना निवर्तमान एमएलसी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा मात्र दो संकल्प है कि पंचायतों की सरकार हो और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो उनको वेतन भत्ता दिया जाए, ये हमारी मांग है। वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस समारोह में पहुंचे हैं मिलने निवर्तमान एमएलसी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा पूरा समर्थन है सच्चिदानंद राय के साथ और वो हमेशा से हमारे हितों की बात करते आए हैं और हम उन्हें ही आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अभी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं, वो हमारे हितों की कभी भी उन्होंने चर्चाएं नहीं की हैं, लेकिन निवर्तमान एमएलसी हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हमारा पूरा का पूरा समर्थन जो है वो सच्चिदानंद राय के साथ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।